जैसे कि कहता है, क्वेश्चन के रूप में कह देता है इस गुण धर्म को, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। मान लो ऐसा कह दिया गया है, तो आपको याद दिला दूं मैं, जब हम प्रतिलोम फलन को परिभाषित किए थे, तो जब हम साइन फलन को उसके प्रांत, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सिद्ध करना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो साइन एक्स के लिए एक्स जो है उसका प्रांत होता है। अब उसके प्रांत को, चूंकि साइन फलन का प्रांत तो आर होता है, लेकिन उसके प्रांत में आपने प्रतिबंध देखा है, ये प्रतिबंधित किया है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तब वह एकाएकी आच्छादक हो जाता है, तब उसका प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। ठीक बच्चों, इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना है। तो इसको हल करने के लिए मान लो ये जो साइन फलन है, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको वाई ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक्स क्या चीज है, ये एक्स है, जहां एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखा जा सकता है, देयर एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई। क्यों लिखा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान दिला दूं बच्चों, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ वाई, इसमें वाई जो है इसका प्रांत है, वेयर वाई बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन इन क्लोज इंटरवल, जबकि एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये ध्यान रखना है बच्चों। अब चूंकि ये जो है इसके लिए क्या है, एकाएकी तथा आच्छादक फलन है, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर एक्स जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बिलोंग करता है, तो इसलिए इसके अंतर्गत ये एकाएकी तथा आच्छादक है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई। देयर एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पर वाई क्या है, वाई साइन एक्स, एक्स रख दीजिए आप मान, तो देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इनक्लोज इंटरवल, तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम अब इसका दूसरा भाग लेते हैं, मान लो उसको भी क्वेश्चन के रूप में लिखा गया है, तो उसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको लिखा है, सिद्ध कीजिए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। यहाँ पर एक्स को ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स जो है साइन इनवर्स फलन का डोमेन है, ये याद रखना है। तो ठीक, इसको भी हम ऐसे ही हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं जब हम हल करेंगे
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि इसमें एक्स जो है साइन इनवर्स एक्स फलन के लिए एक्स जो है क्या है माइनस वन टू वन, जबकि y मतलब साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और इसके लिए क्या होता है एक एक ही आच्छादक होता है, ठीक है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, जहाँ x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन इन क्लोज इंटरवल, और y बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए एक एक ही तथा आच्छादक होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसलिए इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, और तब इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ y क्या है साइन इनवर्स ऑफ x, और देयर फोर साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों आप शेष जो चार जो बच रहे हैं जो इसके पूर्व में लिखा जा चुका है उसको आप ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। इनसे हम संबंधित एक अनुप्रयोग ले लेते हैं, यानी इसका उपयोग सवाल हल करते समय कैसे करेंगे, तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। बच्चों इस प्रगुण का हम कुछ प्रश्न लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, व्यंजक साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ टू पाई बाई थ्री इसका मान ज्ञात कीजिए। मान लो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, तो इस गुण का उपयोग कैसे करेंगे देखिए बच्चों। अब जैसे हमको इसका मान निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन टू पाई बाई थ्री, अब हमारे पास क्या है बच्चों ये सूत्र है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हम कब लगा पाते हैं ये ध्यान रखना है बच्चों। तो इसका यहाँ पर एक्स क्या है वेयर एक्स बिलोंग्स टू साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज, यहाँ पर एक्स जो दिख रहा है वो साइन फलन का प्रांत होगा जबकि इनवर्स फंक्शन का रेंज होगा। तो रेंज को याद रखना है बच्चों, साइन इनवर्स फलन का रेंज इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है, तो क्या इसके अंतर्गत ये आ रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ रहा है क्या टू पाई बाई थ्री, नहीं आ रहा है। टू पाई बाई थ्री मतलब कितना होता है आप देखिए 120 अंश इसमें नहीं आता है, आपको इनवर्स फंक्शन का भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसमें नहीं आ रहा है, पहला चौथा चतुर्थांश में आता है ये, ठीक है बच्चों इसमें आता है ये पहला है और ये चौथा है, ठीक है। ये माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू, तो इसको हमको लेना पड़ेगा। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, रेंज याद रखना पड़ेगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का रेंज मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चूँकि साइन इनवर्स फलन का परिसर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये नहीं आता, इसलिए हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब अरेंज करने के लिए हम साइन इनवर्स ऑफ साइन टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्या लिख सकते हैं बच्चों टू पाई बाई थ्री को देखो जरा
ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप देखिए गौर से, पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं टू पाई बाई थ्री को, ठीक है, तीन एकम तीन, तीन माइनस एक दो, टू पाई बाई थ्री, ऐसा अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है? ये सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो इसको लिखा जा सकता है, ये वही मान देगा साइन पाई बाई थ्री, ये देगा, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए पाई बाई थ्री इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस 90 से प्लस 90 के बीच, पाई बाई थ्री मतलब 60 अंश, जो इसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए अब हम प्रगुण लगा सकते हैं, ये प्रगुण लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। देयर फोर लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ साइन टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, विच बिलोंग्स टू, इसका जो रेंज है, परिसर है, उसके अंतर्गत है, और इसलिए हम हमारा ये फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये प्रगुण कौन सा लग रहा है बच्चों? ये प्रगुण पर आधारित प्रश्न है। ये देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका उपयोग हुआ है। तो हम इस प्रगुण का उपयोग कब कर सकते हैं? जब एक्स का जो मान है इसके अंतर्गत आवे, यानी साइन इनवर्स फंक्शन के रेंज के अंतर्गत आए, ये ध्यान रखना है। आइए हम एक और सवाल लेते हैं। ये क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 7π/6, इसका मान ज्ञात कीजिए, कहता है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों, कॉस इनवर्स फंक्शन है ये, तो आपको इसका रेंज को जानना पड़ेगा। कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है क्या है बच्चों? 0 to π इन क्लोज इंटरवल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है इस व्यंजक में 7π/6 जो दिख रहा है, 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π। आप देख सकते हैं ये 1π से ज़्यादा है, 7π/6 1π से ज़्यादा है, तो 1π से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं? ये देखिए ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 7π/6 इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो हमको रेंज के अंतर्गत लाना है। तो रेंज के अंतर्गत लाने के लिए देखिए अरेंजमेंट करते हैं, किस चतुर्थांश में है ये? पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस पाई बाई सिक्स। ध्यान देना बच्चों, 66 फार्मूला 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा, चाहे तो आप साइड में लिख सकते हैं, सिंस कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, अब ये कौन से चतुर्थांश में, ये देखना पड़ेगा। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में तो कोई भी इनवर्स फंक्शन मान देता नहीं, ये ध्यान रखना है, तीसरे चतुर्थांश में कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मान नहीं देता है, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। तो अब देखिए हम इसको दूसरा फंक्शन
दूसरा चतुर्थांश में अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, इसको सरल कीजिए, 5π/6, ये लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5π/6, क्या अब हम इस गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं? क्या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस गुणधर्म का उपयोग हम कब कर सकते हैं? जब विच बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 0 to π होना चाहिए तब। ठीक है, यहाँ पर x का जो मान मिलेगा 0 to π के अंतर्गत मिलेगा, तभी हम इसको इस प्रगुण को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 5π/6, 5π/6 मतलब पाई से कम है, कितने आप देख सकते हैं, डिग्री में भी कर सकते हैं बच्चों, 6 × 18 30 अंश और 5 × 3 = 15 150 अंश, 150 अंश 0 से π के रेंज में आता है, इसलिए अब हम इसको लिख सकते हैं 5π/6। देयरफॉर फाइनली हम रिजल्ट के रूप में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 इज इक्वल टू 5π/6 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो पहला जो प्रगुण दिख रहा है उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और सवाल हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3π/5, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये कहता है, तो जब हम इसको हल करेंगे बच्चों तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन का रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स फलन का जो रेंज होता है, जिसको हम परिसर भी कहते हैं या उसका मुख्य मान शाखा भी कहते हैं, क्या होता है, -π/2 से π/2, पहले इसको ध्यान लगाना होगा बच्चों। अब उसके बाद देखना है कि क्या 3π/5 इसके अंतर्गत आता है, 3π/5 रेडियन को डिग्री में चेंज करें तो कितना होता है, यहाँ पर 5π/5 यानी 180/5। ठीक है, तो ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आ रही, 90 से ज़्यादा है, ये 90 से ज़्यादा है तो इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए हमको अरेंज करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस 3π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और इसलिए हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब 3π/6 को अरेंज करिए। ठीक है, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं हम लोग, ये 5 है बच्चों, है ना, 5, 3π/5, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस क्या हो जाएगा, 2π/5, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए आप, ये आता है क्या, 3π/5 को हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं क्या, 5 × 5 5 − 2 = 3, 3/5 मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 − θ, साइन 180 − θ दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2π/5। अब देखिए यहाँ पर, अब हम देख रहे हैं कि 2π/5 इसके अंतर्गत आता है। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो अब इसको लिख सकते हो आप क्या इज इक्वल टू 2π/5। अब आप देख सकते हो 2π/5 विच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, देयर एम्प्लाइज इसका मान साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 इज इक्वल टू 2π/5 होगा। ठीक है बच्चों, आप जब भी ऐसा करें कि 2π/5 इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं और डिग्री में बदल कर भी चेक कर सकते हैं। 2π × 180 करके, 5 × 5 = 15 और बच गया 3 × 5 = 30 36 × 72। अब आप देख सकते हैं 72 अंश दिख रहे हैं, इसके अंतर्गत आ गया। जबकि वहीं पर जब 3π/5 को चेक करते हैं, 3/5 × 180 इसको चेक करते हैं तो कितना होता है, ये 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 10, 108 अंश होता है और 108 अंश 90 अंश से ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको 3π/5 को आपको उसके रेंज में लाना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते बच्चों, ये ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, हम ऐसा नहीं लिख सकते साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3π/5 इज इक्वल टू 3π/5 नहीं लिख सकते, ये ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, विच डज नॉट बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, रेंज को ध्यान पर रखना पड़ता है। जब भी मान ज्ञात कीजिए कहते हैं तो हम मुख्य मान ही ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। जब तक कोई और शर्त नहीं दिया है, केवल मान ज्ञात कीजिए कहता है तो हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, हम लोग अब अगला गुणधर्म देखते हैं।